एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ फेक हेयर्स। जी हाँ, एकदम ही अलग होने वाला है आज का वीडियो। यूजुअली मैं इस टाइप की वीडियोस अपने चैनल पे नहीं बनाती हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर ऑल द फेक हेयर्स दैट आई हैव गॉट फ्रॉम अमेजोन। अमेजोन से मैंने कुछ हेयर मंगाए थे, कुछ एक्सटेंशंस मंगाए थे, जो आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। वर्थ इट है बाय करने के लिए कि नहीं है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो के साथ में स्टार्ट टू फिनिश, और अगर पसंद आएगा तो आप लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के साथ में ये फेक हेयर तो मैं शेयर करूंगी ही, इसी के साथ में कुछ हेयर एक्सेसरीज भी मंगाए हैं मैंने, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लाइक द एक्सेसरीज स्पेशली, बिकॉज फेक हेयर हर कोई खरीदता नहीं है, लेकिन एक्सेसरीज हर कोई खरीद सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हेयर हैं, फिर मैं आती हूँ हेयर एक्सेसरीज पे, या फिर डिपेंड करता है, मैं बीच बीच में हेयर एक्सेसरीज भी आप लोगों को दिखा दूंगी। चल आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो फेक हेयर है वो है ये फेक बैंग्स। इनको मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करा हुआ है, तो मैंने सोचा कि स्पेशली इस फेक बैंग को एक स्पेशल वीडियो में प्लेस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में फेक बैंग्स या फेक हेयर ही शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। रीज़न बीइंग हो सकता है कि आपने पहले वाले वीडियोस अगर नहीं देखे होंगे और रिव्यू अगर आपने मिस कर दिया होगा तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये फेक बैंग्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लिक्स ऐसे लगाने हैं और सामने इस तरीके से भी साइड वेज में बाल दिए हुए हैं। ये एक इस तरीके से पैकेजिंग में आता है, ऊपर एक प्लास्टिक था और नीचे एक कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरीके से ये अटैच होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लिप लगी हुई है इस तरफ में, ना एक क्लिप है, मैं इसको थोड़ा सा क्लोजअप दिखा देती हूँ। ये एक क्लिप है, इधर देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लिप है, और इसको हमें क्या करना है, अपने बालों में इस तरफ लगाना है। लेट्स जस्ट सी कि कैसे लगाते हैं। सो बीच का पार्टीशन कर लिया है मैंने बालों में, और यहाँ पे ये जो क्लिप है ये इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, इस तरीके से ये ओपन कर लिया है मैंने, और बस ये आपको जहाँ जहाँ प्लेस करना है। एक और चीज़, इसको थोड़ा सा आप कोम कर लीजिएगा या फिर ब्लो ड्राई कर लीजिएगा, ताकि वो थोड़ा सा ना ऐसे कर्व में आ सके, तो वो ज़्यादा इजी रहता है लगाने में और ज़्यादा अच्छा दिखता है। आई पर्टिकुलरली लव दीज हेयर बैंग्स और मुझे बहुत अच्छे लगे। और बस आपको जो फोरहेड में जितना भी आपको इसकी लेंथ चाहिए उतना हिसाब से आपको रख लेना है और यहाँ पे प्लेस कर लेना है, बस इस तरीके से। सो जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुल, मतलब मुझे ये हमेशा से ही लगता था कि मैं ना इस तरीके से फोरहेड वाले साधना कट बोल लो, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न कट रहते हैं ना, या फिर कोरियन कट रहते हैं, उस हिसाब से मुझे हमेशा से लगता था कि मैं कट करूं अपने बालों को। तो बस यहाँ पे मैं जब चाहूँ तब मैं इस कट में आ सकती हूँ। सो इट गोज़ लाइक दिस गाइज, इट्स जस्ट लुकिंग सो प्रिटी, और मेरे बालों से भी ये कलर मैच कर जाता है ना, तो बहुत ही डिफरेंस नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो साइड में बैंग्स आए हुए हैं ना, उनको और आप साइड में इस तरीके से निकाल सकते हैं ताकि वो एक ऐसा कर्व दे आपके फेस को। एक मिनट, ये तो मतलब ओरिजिनल आ गए हैं मेरे बाल, तो ये इस तरीके से ऐसे इस तरीके से आ जाता है सामने की तरफ। और अगर आप चाहते हैं तो पीछे आप एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोनी टेल बना लीजिए। मैं एक मिनट में पोनी टेल बना के आती हूँ। Check these are these looking so beautiful. मुझे तो बहुत ही क्यूटनेस ओवरलोडेड वाली फीलिंग आ रही है। सो वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस गाइज, मुझे तो ये सुपर क्यूट लगा। मैंने इसको पोनीज के साथ में इसको पहना हुआ है, और ये साइड से इसके और जो फ्लिक्स आए हुए हैं उनको निकाल दिया है। आई लिटरली लव्ड दिस, कोरियन वाली फीलिंग आती है इस टाइप की, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। सो इस प्रोडक्ट के डिटेल्स हैं, ये है ब्रांड इलेक्ट्रोमेनिया स्टोर से, और इसको बोलते हैं क्लिप इन फ्रंट हेयर बैंग फ्रिंज हेयर एक्सटेंशन पीस, थिन एक्सटेंशन फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। ओके, सो नेचुरल कलर में है और एक सिंगल कलर है। प्राइस इसकी 236 रुपीज है, और इसमें ही वीडियो दिया हुआ है कि आप इसको कैसे पहनना है, कैसे।
ओके सो एनीवेज मैंने आप लोगों को इन डिटेल में बता ही दिया है कि ऐसे इसको पहनना है. तो यस दैट इज हाउ यू कैन वेयर. और 236 रुपीज में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इफेक्टिव भी है, बहुत प्यारा क्यूट सा दिख रहा है. मेन थिंग कि आपके नेचुरल जो बाल है ना उनके साथ में ये मैच कर रहा है. सो फर्स्ट हेयर एक्सटेंशन बोल लो या फेक हेयर बोल लो, आई टोटली लव. सो नेक्स्ट जो हेयर एक्सटेंशन है उसके लिए अगेन मुझे एक पोनी बांधनी पड़ेगी. तो मैंने थोड़ी एक हाई पोनी बांधी है. तो लेट्स सी कि मुझे ये वाला जो एक्सटेंशन है वो कैसा रहेगा इस पोनी के ऊपर. जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी शॉर्ट हैं, शोल्डर लेंथ तक आ रहे थे. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसा पोनी लेती हूँ जो मैंने बस इसको लगा लेना है और मेरे बाल तुरंत ही लंबे हो जाएं ऐसे इंस्टेंटली. तो उसी हिसाब से मैंने ये हेयर एक्सटेंशन लिया हुआ है जो कि यहाँ पे आप देखिए ये है. एक मिनट, ये है. सो ये है बाल. एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं कि मैंने जब ऑनलाइन देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वाओ ये अच्छे दिख रहे हैं, तो आई वेंट फॉर दिस. लेकिन बालों की क्वालिटी मुझे बहुत सिल्की है, सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी ना हल्के से चुभते हैं, या फिर मैं बोलूं कि इससे भी क्वालिटी मेरे नेचुरल बालों में नहीं है. तो ये तो होगी बात हमारी क्वालिटी की. ब्लैक तो अच्छे खासे हैं, अच्छे खासे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बालों से एकदम मैच करेंगे. इसी टाइप से हैं ये ब्लैक कलर जो है. और इसका जो मेक है वो मैं आपको बता दूँ, बस ये खुलता नहीं है, ये इतना ही है. यहाँ पर साइड में इस तरीके रिबन दी हुई है और ऊपर के तरफ यहाँ पर यू पिन जो रहती है ना इस तरीके से वो दी हुई है. अब इसको मुझे ऐसे लगाना है. मैं एक मिनट देख लेती हूँ इसको एक्चुअली लगाते कैसे हैं और तब तक मैं डिटेल भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ कि इसका जो कंपनी है वो है एलिस और रिबन रैप बोलते हैं टाई पोनी टेल है. ये लाइट वेट है और मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी कि मुझे ये एक्चुअली ऑनलाइन दिखा कैसा है और आया कैसा है. एनीवेज चलो देखते हैं. फिर ये पड़ता है 298 रुपीस में. ये सब मैं प्रेजेंट कॉस्ट बता रही हूँ मैं. और यस गाइस अब मैं देखूँ इसको कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं. इसमें सिर्फ इमेजेस दिए हुए हैं, कोई वीडियो नहीं दिया हुआ है. इमेजेस के थ्रू ही हमें पहचानना है, समझना है कि इसको कैसे लगाना है एक्चुअली. तो इनका कहना है कि आपने जो पूरी टेल बनाई है उसमें पहले आप यू पिन इंसर्ट करिए, फिर उसके बाद में रिबन से इसको बस गोल घुमा के अपने इसके ऊपर प्लेस करना है बेसिकली. देखते हैं. यू पिन है वो मैंने अपने ओरिजिनल जो बाल हैं उसमें, मतलब पोनी है उसमें डाल दिए हैं. और ये जो है इनको मैं ऐसे गोल घुमा के इसको यहाँ पे टाई कर देती हूँ. मेरे ख्याल से नीचे ही टाई करना होगा, ऊपर क्या टाई करेंगे. सो यहाँ पे मैं इसको टाई कर देती हूँ. ओके आई होप कि आपको दिख रहा हो. मुझे तो ये बहुत ज़्यादा हैवी लग रहे हैं, हालांकि बाल मेरे एकदम ही लंबे हो गए हैं यार. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको वीडियो के लिए तो यूज़ कर ही सकती हूँ, है ना. वीडियो में कभी कभी हम लोगों को बाल लंबे चाहिए रहते हैं अगर, तो फिर उसके लिए. पर इसकी स्टेबिलिटी मुझे उतनी फिक्स नहीं लग रही है. इसको फिर से एक बारी बांधती हूँ. ओके जी, यहाँ पर फिर से यू पिन लगाया और इसका कोई हेल्पर होना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसको ना पीछे से दिखेगा एक्चुअली कि हो क्या रहा है बालों का. ओके सो इसको फिर से हम लोग गोल घुमा लेते हैं. ओके तो अगर मैंने इस तरीके से करा, मुझे अभी भी इसकी स्टेबिलिटी पे डाउट है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको फॉर वीडियोस ज़रूर ले सकती हूँ जहाँ पे मुझे थोड़े से लंबे बाल दिखाने हैं, कुछ एथनिक वेयर पहना हुआ है उस टाइम के हिसाब से. और बहुत हैवी है, इसमें लिखा हुआ है कि लाइट वेट है बट इट इज़ नॉट एट ऑल लाइट. मेरे बाल छोटे हैं फिर भी, मतलब हो सकता है छोटे हैं इसलिए कैरी नहीं कर पा रहे होंगे उतने लोड को, पर ये इस तरीके से पीछे से दिखता है. यहाँ पे होना चाहिए थोड़ा सा और ऊंचा. एनीवेज थोड़ा सा लॉन्ग शॉट में देख लो
एनीवेज मुझे अच्छा तो लग रहा है कि कुछ मेरे बाल लंबे जंबे हो गए हैं और मेरे बालों से एक्चुअली मैच भी कर रहे हैं, तो यस लुकिंग गुड. व्हाट यू थिंक गाइस, व्हाट यू हैव टू से. और इन पे मैं मेरे ख्याल से मैं कुछ इस तरीके से ये भी बांध सकती हूँ, पता नहीं, मैं उसके बारे में ट्राई आउट करूँगी कि मैं इसके पीट्स बांध सकती हूँ, चोटी बना सकती हूँ कि नहीं. तो हाँ, इस तरीके से. और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो खुद के ये जो एक एक्स्ट्रा बाल है ना, ये इधर के जो बाल हैं, मेरे जो खुद के बाल हैं, वो उनको हम छुपा सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. अदरवाइज़ क्या होगा कि बाल तो लंबे दिख रहे हैं और अंदर की तरफ से छोटे दिख रहे हैं. तो आप मुझे कमेंट करके बताना, अभी तो मैं नहीं देख सकती हूँ कि मेरे बाल एक्चुअली दिख रहे हैं कि नहीं. साइड से दिख रहे हैं क्या? हाँ दिख तो रहे हैं यार साइड से, है ना, पर पता नहीं. आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट दिस गाइज, आई एम वेरी वेरी डाउटफुल. आई सीरियसली वॉन्टेड लॉन्ग हेयर, लॉन्ग एक्सटेंशंस, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई. अगर आपको ये वाली चीज़ें पसंद आ रही होंगी तो यू कैन गो फॉर दिस. मुझे ऐसा लगता है कि, और हाँ एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो हेयर एक्सटेंशन है, जितने भी मैंने अमेज़ॉन पे देखे वो रिटर्नेबल नहीं हैं. तो जी हाँ, अगर आप 200-300 खर्च करते हैं तो आप उसी हिसाब से सोच के खर्च करिए कि ये रिटर्न नहीं हो सकते हैं. ओके, एनीवेज मुझे अच्छे भी लग रहे हैं और डाउट भी है, बहुत अच्छे से घने से लग रहे हैं ना. यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऐसा लगा दूँ तो, एक मिनट, जस्ट वेट, एक ऐसा एक्सटेंशन, नहीं कुछ और ही लग रहे हैं ना. ओके, अगर ऐसे इस तरीके से एक्सटेंशन लगा दो और ऐसे आए तो इट्स लुकिंग क्यूट अगेन. आई फाइंड दिस बैंग्स वेरी क्यूट गाइस, जस्ट गो फॉर दिस, आई लिटरली लव्ड इट. अभी तो मैंने विग बियर्ड से ही इसको ऐसे ही लगा लिया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छे भी हैं. आप डेफिनेटली अगर आप किसी शूट पर्पज़ के लिए हैं या फिर आप एक यूट्यूबर हैं या इंस्टाग्रामर हैं, तो कम बजट में, क्योंकि इतना एक्चुअली टीवी में या फिर इतना एक्चुअली वीडियो में समझ में नहीं आता है कि इनकी क्वालिटी कैसी है. तो एट प्रेजेंट तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, चमक भी अच्छे, कर्ल्स भी अच्छे हुए हैं इस हेयर बैंग्स में, हेयर एक्सटेंशन में. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू कैन गो, अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में हैं तो डेफिनेटली यू कैन गेट देम फॉर योर सेल्फ. पर हाँ, किसी पार्टी में अगर कुछ पहन के जाना है तो आई वुड से नो टू इट. एनीवेज लेट्स स्किप टू अनदर पार्ट. ओके, मैं आप लोगों के साथ में एक एक्सेसरी शेयर कर रही हूँ उसके साथ में ही. तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स मंगवाए थे, बहुत ही सिंपल से फ्लावर्स हैं जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और मुझे कुछ अलग कलर्स में मंगवाने थे तो ये मैंने कलर मंगवाए थे. तो ये सेट में आता है और इसमें आप देख सकते हैं पिंक के दो शेड्स हैं, वाइट है और एक रेड है. तो अगर अभी मैं इसको पहनती हूँ वाइट लगा के, तो गाइस ये इस तरीके से आएगा. आई फाइंड द क्वालिटी क्वाइट गुड. मैं इसका रेट आप लोगों को बता देती हूँ. तो इस प्रोडक्ट की जो कंपनी है वो है फैशियो, और इसमें बहुत सारे मल्टी कलर्ड फोर फ्लावर्स का पैक आता है. और इसका जो ये फोर पैक जो लिया है मैंने वो है 205 रुपीज़ का. अगर दो का मल्टी पैक लेते हैं आप तो 99 रुपीज़ में मिल जाता है, थ्री का 165 में. तो मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिए हैं तो 205 रुपये का ये है. क्वालिटी अच्छी है. सो नेक्स्ट कमिंग टू द बन, तो फ्लिक्स हो गए यानी कि हेयर बैंग्स हो गए, उसके बाद में हेयर एक्सटेंशन पोनीटेल हो गया. अब मैं सोच रही थी कि चलो बहुत सारे मेसी बंस आजकल बहुत आते हैं तो वो ट्राई आउट करे जाएं. तो प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है ये एक बन. आपको करना बहुत ही इजी है, ये मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर भी करा हुआ है. नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर जाके देख लेना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. साथ में मेरे कलर के साथ में हल्का सा डिफरेंस ज़रूर है लेकिन अच्छा दिखता है वंस यू वेयर इट. तो आई जस्ट शो यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू वेयर दिस थिंग ऑन योर हेयर. सो सबसे पहले तो आप अपने जूड़ा बना लीजिए, जैसा भी आपको जूड़ा बनाना है. मेसी है तो बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्बिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बन बना लीजिए. बन बना लेने के बाद में आपको करना ये है कि इसको हमें यूज़ करना है अपने ओरिजिनल बन के ऊपर इस तरीके से.
जो साइड में है ये पार्ट, उसको थोड़ा सा आप इसको खुला छोड़ दीजिए ताकि और थोड़ा मेसी सा दिखे। थोड़े से फ्रंट में आप इस तरीके से बैंग्स अपने ओरिजिनल नाले निकाल सकते हैं ताकि और थोड़ा सा मेसी दिखे। थोड़े नीचे से भी आप इसको अपने बालों को थोड़ा पुल कर सकते हैं लाइक दिस। Here it goes. So I literally loved this bun also. इसके भी details मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये है एक crown jewel one piece messy bun और इसकी जो cost है वो है 198 rupees। इसको अगर pack में लेते हैं यानी कि एक pair में लेते हैं 298 rupees लगता है। तो इसमें भी पूरी details दिए हुए हैं कि आपको इसको कैसे रखना है, कैसे पहनना है, ये सारी ही details इसमें already given है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्थ है 198 रुपीज में हम लोगों के सामने एक मेसी बन मिल रहा है, पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। आई टोटली लव्ड दिस। मुझे ऐसा लगता है कि येस आई एम गोइंग टू वेयर दिस आउटसाइड ऑल्सो, इनफैक्ट आई हैव वॉर्न इट ऑल्सो। तो ये तीनों ही फेक हेयर आप लोगों के साथ में मैंने अभी शेयर करे, रिव्यू सब दिए दिया है, प्राइस कैसा है, क्वालिटी कैसा है, एवरीथिंग। लास्ट एक एक्सेसरी बची हुई है जो कि हम बन के ऊपर ही लगाने वाले हैं। सो ये है एक हेयर एक्सेसरी जो हम बन के ऊपर लगाएंगे। इसका जो ब्रांड है वो हेयर फ्लेयर स्टोर है और इसकी कॉस्टिंग है 275 रुपीज। पर्ल में भी आता है तो ये पर्ल फिनिश में है और ये गोल्ड फिनिश में भी आ जाएगा। तो प्लास्टिक पैकेजिंग में है, ऊपर से बबल रैप भी किया हुआ था तो नीटली पैक्ड ही आया है मेरे पास में। अब इसको हम अपने बन की तरफ लगा लेते हैं। इसके थोड़े से और डिटेलिंग्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से ये है, बहुत ही प्रिटी सा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे मुझे भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसा है ये। देखिए यहाँ से ये ऐसे लगेगा, है ना। या तो ये ऐसे साइड में आप लगा सकते हैं इस तरीके से ऐसे, फिर यहाँ इसको तो हमें यूपिन से आपको थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ेगा इस तरीके से, या फिर आप पूरा का पूरा इसको बैकग्राउंड में ऐसे लगा सकते हैं। तो अगर मैंने इसको ऐसे लगाया और यू पिन से इसको पीछे की तरफ, पीछे भी एक जैसे लूप दिया हुआ है उस तरफ भी इसको ये यू पिन में ऐसे लगा लिया। ओके सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा जो मैंने पहना हुआ है। ओके सो ये इस तरीके से आएगा। So that was all about the fake hair review from Amazon, guys. I hope कि आप लोगों को ये hair accessories और fake hair का review काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। तो ये video like करिएगा और share करिएगा, channel को ऐसे ही और videos देखने के लिए subscribe कर लीजिएगा और बने रहेगा मेरे अगले video आने तक। Bye bye, take care.